6 kg अराउंड 9.875 lakh आई थिंक पहुंच गया होगा। वेल हेलो यू गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। यार बिल्कुल वैसे ही अच्छे अच्छे बने रहो। अप्रैल का महीना यार बहुत ही अच्छा रहा, हमने हिमाचल राइड लगाई, बहुत मजे आए नई बाइक में अपनी CB 500X में। उसके बाद जो है होंडा के होम कमिंग फेस्ट में तो क्या ही मजे आए, मतलब अल्टीमेट था। हाइनेस से गए, सबसे मिले, बहुत सारे लोगों से मिले, आप लोगों से मिले, जितने लोग वहाँ आए थे सबसे मिले, तो बहुत ही अच्छा इवेंट रहा। अभी क्या है, मैं ऑफिस से आ गया हूँ, टाइम हो रहा है 6:00 PM। तो कई लोगों ने यार होंडा राइड के बाद मेरे से पूछा कि आपको जो वहाँ गिफ्ट मिला था, एक बैग मिला था, वो आपने दिखाया नहीं, तो पहले तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, फिर बताऊँगा। एक बहुत बड़ी चीज़ नई वाली बाइक के लिए आ गई, आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा ऑलरेडी, तो वो बाद में दिखाएंगे। पहले आपको होंडा का गिफ्ट दिखा देते हैं कि एक्चुअली में हमें मिला क्या। ये देखो वो सामान रखा है, वो बाद में दिखाएंगे। तो यार देखो 3 चीज़ें मिली, पहली तो ये कैप जो हमें फैक्ट्री जाते टाइम मिली थी, तो दूसरा ये फोटो फ्रेम मिला, ये जब हम लोग अप्लाई कर रहे थे उस टाइम पे फोटो अपलोड करनी थी, तो वो वहाँ होंडा ने जो ऐसे लगा के रखी थी तो वो दे दी। उसके बाद उन्होंने यार ये एक बैग दिया, तो ये बैग ना फोल्डेबल बैग है, मतलब इसको फोल्ड कर सकते हो। मैं इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का बैग हो जाता है, काफ़ी अच्छा बैग है। आई मीन इसको आप रेगुलर यूज़ में बहुत आराम से ले सकते हो। उसके बाद यार होंडा ने इसके अंदर काफ़ी सारा सामान दिया है, एक बाल्क्लावा है होंडा का, जो जिसको बफ बोलते हैं, जो गले में पहनने के काम आता है, और ये एक मास्क दिया होंडा ने, एक हाथों में पहनने वाले होते हैं जो आप अपने हाथों में ऐसे पहन लेते हो, पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, चलो इसमें देख लेता हूँ मैं, आर्मर मैनसेट्स कुछ बोलते हैं। एंड देन ये एक वो ग्लो, जो चेस्ट माउंट नहीं होता है, आप पहन लो इसको, तो इसके बाद आपकी ना ये रेडियम स्ट्रिप्स हैं तो ये ग्लो करती हैं, तो दूर से आपको दिखता है कि मतलब आप जो है राइड पे हो या कुछ हो। आई लव होंडा बिग विंग, कुछ अपना प्रमोशन ना भर भर के किया है होंडा ने, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये एक होम कमिंग का बैच दिया था, तो ये तो हो गया होंडा ने क्या गिफ्ट दिया था। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी एक्सेसरी जो मैंने आज तक कभी किसी बाइक के लिए खरीदी, वो है अपने होंडा CB 500X के पैनियर्स। जी हाँ, जीवी के पैनियर्स आ चुके हैं, कई लोग इसको गीवी भी बोलते हैं, बट मैं जीवी बोलूँगा, यार आपको जो मन हो वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बड़े बड़े बॉक्सेस हैं दो, ये मतलब कैमरे में शायद आपको साइज का अंदाजा नहीं लग रहा होगा। जब वो बंदे लेके आए तो मैंने कहा भैया आप रखवा दो कहीं, वो बोलते भैया हम आपका ही सिर्फ सामान लेके आए, पूरी ट्रॉली में बहुत बड़ा है, आपको आना पड़ेगा। तो मेरे को ऑफिस से आना पड़ा रखवाने के लिए, जब मैंने देखा मैन इट्स टू बिग। तो ये वाला जो है मैंने खोल दिया, ये टॉप बॉक्स है और ये दो साइड पैनियर्स हैं, इसको मैंने खोल दिया जस्ट टू चेक की क्वालिटी क्या है। ये बिल्कुल सील पैक्ड है, तो ये भी आपके सामने जल्दी से खोलते हैं, उसके बाद एक एक चीज़ इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बाइक में नीचे चलेंगे, बाइक में इनको फिट करेंगे। मेरे को भी नहीं पता कैसे फिट करने हैं, एक एक चीज़ फिट करके यार चला के देखेंगे बाइक, क्योंकि अब जो नेक्स्ट राइड है उसके बारे में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट राइड से पहले मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँ कि लगाना कैसे, निकालना कैसे, वो तो पता लगे कम से कम, क्योंकि हम तो अभी न्यू कमर है भैया इन सब चीज़ों में। तो चलो जल्दी इसको अनबॉक्स करते हैं। लो जी आपके सामने पेश हैं हमारे नए नए पैनियर। ओहो ये क्या चाबी है इसकी, सबसे पहले दोनों चाबियां दोनों पैनियर्स की, यार होप ये एक ही से दोनों पैनियर्स खुल जाते होंगे, तो चाबियों का तो गुच्छा हो जाएगा। उसके बाद ओके ये है अपना पहला पैनियर। भाई ये कुछ है अपना पैनियर, ये साइड पैनियर है और ये जीवी का ट्रैकर आउटबैक मॉडल है। प्राइस मैं आपको सब बाद में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, ब्लैक कलर के मैंने इसलिए मंगाए क्योंकि ब्लैक अपनी बाइक को सूट करेंगे यार, देखो पूरा ना ऑल ब्लैक वाला कुछ वो था। अब जल्दी इसको खोल के देखते हैं। दूसरा पैनियर अभी निकालते हैं, पहले इसमें थोड़ी कलाकारियाँ करते हैं। और ये टिक क्यों नहीं रहा, ये बेड पर गिरा क्यों जा रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। अब देखते हैं इसके अंदर है क्या क्या। और ये अपना पैनियर खुल चुका है, और इसके अंदर क्या है, एक ये इसका कुछ कार्ड सा है, उसके बाद ये जीवी की कुछ एक बैजिंग वगैरह है, ये सब है। तो यार ये कुछ व्यू है यार पैनियर का, काफ़ी सही लग रहा है, और मतलब जीवी में क्वालिटी तो है, प्राइस बस थोड़ा ज़्यादा है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इसके वेट की अगर मैं बात करूँ ना तो इट्स क्वाइट स्टडी। चलो चेक करते हैं, एक्चुअली मेरे पास वेइंग मशीन भी है, कभी इसको वेइंग मशीन में रखेंगे देखो कितनी गंदी हो गई। एक साइड पैनियर का क्या वजन है, 5.5 kg का एक साइड पैनियर है, कैन यू इमेजिन। तो 11 किलो के दो साइड पैनियर हो गए। जल्दी से बाकी भी अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर आपको टॉप बॉक्स दिखाते हैं। ये लो भाई अपने तीनों पैनियर्स आ गए, दो साइड पैनियर एक टॉप बॉक्स। टॉप बॉक्स तो बहुत ही सही है, इसको एक मिनट साइड में रखते हैं। लुक एट द व्यू,
काफ़ी सही लग रहा है जो टॉप बॉक्स है यार। अभी नीचे चल के अच्छे से बाइक को फिट करके दिखाएंगे, इसका भी वजन चेक कर लेते हैं कि इसका वजन कितना है। 6 kg, तो मतलब 11 किलो के दो पैनियर्स, 6 किलो का टॉप बॉक्स, टोटल 17 kg हो गया। और यही जो है पैनियर्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि इनमें वजन बहुत ज़्यादा होता है, बट फायदे बहुत सारे होते हैं। तो अच्छी चीज़ एक ये भी है, सारे पैनियर्स ना एक ही चाबी से खुल जा रहे हैं यार। दिस इज़ समथिंग गुड। इसको भी खुद, ओहो इसके अंदर तो काफ़ी सामान है। 2 GB के गुच्छे हैं, एक बैंड है, दो बैंड हैं, काफ़ी कुछ दिया है ये बाइकर, एंड बाइकर वालों ने भी अपना स्टिकर दिया है। यहाँ से मैंने खरीदे हैं एक्चुअली में, तो टॉप बॉक्स में काफ़ी सामान निकला, साइड पैनल्स में तो कुछ नहीं था। द बेस्ट थिंग इज इनको लॉक अनलॉक करना बहुत ही आसान है, ऑल यू नीड टू डू जस्ट 1 key। यानी मेरे पास टोटल अभी 6 keys हैं, हर पैनियर के साथ 1 key आई, 1 spare की आई, तो 4 ही हो गई, टोटल 6 key हैं और मेरे को 1 key की ज़रूरत रहनी है। तो राइड पे अपन क्या करेंगे, अपन 2 key ले चला करेंगे और काम हो जाया करेगा पूरा। अब ये वाला पैनियर और खोल के इसके अंदर से भी सामान निकाल लें थोड़ा सा। तो भाई पैनियर तो सारे रख लिए, अब चलते हैं नीचे बाइक पे, इनको जल्दी से फिट करते हैं और फिर राइड पे चलते हैं, मज़े लेते हैं। तो यार अभी नीचे आ गए घर पे, यार बच्चे खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कहाँ बनाऊँ, तो अभी हम यहाँ आ गए हैं। तो दिल थाम के बैठी है, आपको दिख ही रहा होगा ये आ गए अपने पैनियर्स बाइक पे, पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, काफ़ी सही लुक आ रहा है। मतलब आपको पीछे से दिखाएं, ये देखो आप क्या सही लग रहे हैं, मतलब कलर जो है ना बाइक के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है। भाई देख लो ये बाइक का पीछे से लुक है, मतलब ये ऐसा लग रहा है ना प्रॉपर टूरिंग बाइक। मतलब मेरे को तो उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा दिखेगा, कुछ ज़्यादा ही लोडेड हो गया, मतलब खतरनाक सा दिख रहा है। और अभी मैं जब मैं चला के लाया ना तो पीछे से फील हो रहा है कि बाइक हैवी हो गई है, तो ये पैनियर्स का थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है। बाकी आपको एक बार बढ़िया व्यू दिखा देते हैं। ये जो है 2 साइड पैनियर्स हैं, ये 37 लीटर्स के हैं दोनों, और ये जो है 42 लीटर्स का टॉप बॉक्स है। अब इन पैनियर्स की सबसे अच्छी बात ये है कि इसको माउंट और अनमाउंट करना बहुत ही आसान है, मतलब सिर्फ 1 key है उससे ही तीनों पैनियर्स खुल जाते हैं। टोटल मिला के मेरे को 6 चाबियाँ मिली हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, अगर खोलना है तो आप इसको ऐसे लगाओ, ऐसे करो और ये खुल गया। उसके बाद आप अपना कोई भी सामान इसमें निकाल रख सकते हो। सेम इज़ द केस विथ, इसको लॉक कर देते हैं पहले, सेम इज़ द केस विथ टॉप बॉक्स, अगर आपको खोलना है तो आप बस ऐसे करो, ये आपने लगाया एंड इट्स ओपन। टॉप बॉक्स इतना बड़ा है कि एक फुल फेस हेलमेट इसमें जो है आ जाएगा, मतलब मैं अपना हेलमेट चाहूँ तो मैं इसमें रख सकता हूँ आराम से। और इसमें अंदर सॉफ्ट कवर भी दिया है सो दैट कि जो सामान रखे हो उसमें किसी तरीके की चोट वोट ना लगे, आराम से आ। अब अगर मेरे को पैनियर्स हटाने हैं बाइक से तो ऐसे नहीं हटेंगे, उसके लिए भी बहुत ही आसान सी मैकेनिज्म है। मेरे पास कैमरा नहीं है तो यार मैं आपको दिखा नहीं सकता, आपको ये कॉर्ड पुल करनी है और उसके बाद पैनियर खींच लेना है बाहर, इसे भी आपको दिख रहे हैं, ये ग्रीन मीन्स इट्स लॉक्ड। तो ये कॉर्ड जैसे मैं खींचूंगा ना ये, अभी उसके बाद देखो वो खुलने से लग गए, तो बस ये खींचते ही मैं पैनियर खींच सकता हूँ, तो कुछ इस तरीके से अनलॉक हो जाते हैं। आपको अनलॉक करके दिखा देता हूँ मैं एक, ये देखो अभी अनलॉक हो गया, अब इसको अनलॉक करने के बाद आप आराम से निकाल सकते हो और ये निकल गया। अब को ये गिर ना जाए कि भाई नीचे ही रख देते पता लगा उद्घाटन हो जाए इनका आज ही। अब अगर आपको साइड रैक दिखाऊं तो पहले आपने देखा होगा जब हम लोग हिमाचल राइड पे गए थे तो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा लगा था, वो मैंने बताया था ना पूरा साइड रैक में लगा नहीं पाया, तो अभी ये साइड रैक प्रॉपर बहुत ही सही दिखता है, दूर से आपको दिखाऊं अगर मैं। और फिट करना तो बहुत ही आसान है, फिट करके मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक मिनट रुकना। अभी देखो नीचे वाले जो पिंस थे उनमें मैंने डाल दिया है, उसके बाद आपको सिर्फ इसको ऐसे करके ये देखो फिट हो गया, नाउ पैनियर इज़ फिट और नाउ इट्स लॉक्ड। लॉक में भी फिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बेहतरीन। अब थोड़ी पैसे की भी बात कर लेते हैं, तो ये जो मॉडल है ये जीवी का ट्रैकर आउटबैक करके है, इसमें 2 आते हैं अलास्का, वो थोड़ा सस्ता आता है, ये थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न ज़्यादा स्टडी है, तो ये ट्रैकर है। साइड पैनियर्स दोनों मिला के मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पूरा याद है कि ये जो 3 पैनियर्स हैं काफ़ी महंगे हैं यार, मतलब क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ही स्टडी क्वालिटी, मतलब इससे अच्छे पैनियर्स आपको नहीं मिलेंगे, मतलब गारंटी है मेरी। लेकिन प्राइस है ये तीनों मिला के अराउंड 1,14,500 रुपीज़ के हैं, तो
तो तीन पैनियर्स की कॉस्ट है 1,14,500 रुपये, उसमें से ये आई थिंक 75,000 रुपीज़ के हैं दो, और बाकी जो बचा हाँ 39,000 के आसपास का ये है। तो तीनों मिला के 1,14 के आसपास है। हालांकि सिर्फ इतने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको ये पूरा अरेंजमेंट भी लेना है, साइड रैक, टॉप प्लेट और ये सब जो आता है, ये सब मिला के अराउंड 48,000 रुपीज़ का। तो जो टोटल कॉस्ट है इन तीन पैनियर्स की वो है 1,14,500 रुपीज़ प्लस 48, कितना हो गया अराउंड 1.62 लाख रुपीज़। इट्स टू कॉस्टली। मतलब अभी मेरी बाइक का अगर मैं आपको पूरा एक्सेसरी का कॉस्ट बताऊं, तो ये जो है अराउंड 33,000 रुपये के, 10,000 रुपये की लाइट सारा सेटअप मिला के, और 1.62 लाख के आपके हो गए पैनियर्स। तो अराउंड 8.75 लाख आई थिंक पहुँच गया होगा। तो इसलिए मैंने ये बाइक और ली थी, सो दैट कि मेरा टोटल बजट जो है वो 9 लाख के कम नीचे ही रहे। तो अभी बाइक जो है 9 लाख रुपए की हो गई थी, जब खरीदी थी तो इट वाज अराउंड 6.7 लाख रुपीज़, 6.65, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है। तो महंगे हैं, बट सबसे अच्छी बात यह है कि ये पैनियर्स आप कोई भी बाइक चेंज करो ना, मतलब ये 10वें साल चलने वाली चीज़ है, आप कितने भी बाइक चेंज कर लो बट पैनियर्स आपको यही लगते रहेंगे। बस आपको ये फ्रेम चेंज करने की ज़रूरत होती है, या फिर आप इसमें ही मॉडिफिकेशन करवा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसी फ्रेम में यही लग जाएगा आपका। तो मतलब लंबा खर्चा है, बट कहते नहीं एक बार का खर्चा है, बार बार नहीं। अब पैनियर्स में आसानी क्या होती है, पैनियर्स में सबसे ज़्यादा आसानी होती है कि आप इनको फिट करना, निकालना बहुत आसान होता है, हालांकि इनमें वेट होता है। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि सपोज़ आप कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रिप में जा रहे हो, कहीं घूम रहे हो, तो आपको अपने सामान की चिंता रहती है, आपको अपनी बाइक ना कहीं ऐसी जगह खड़ी रखनी होती है जो आपकी आंखों के सामने रहे। पैनियर्स में क्या है, आपको कोई टेंशन नहीं, बाइक कहीं भी खड़ी कर दो, इनफैक्ट आप छोटा मोटा घूमने जा रहे हो तो आप अपना हेलमेट भी इसके अंदर रख दो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को यही आती है यार, हेलमेट काफ़ी भारी हो जाता है गोप्रो और सेना वेना लगा के, तो कहीं गए सपोज सिटी टूर पर हैं तो बाइक खड़ी कर दी, फिर हेलमेट लेके घूमना पड़ता है। तो अभी वो टेंशन नहीं है, हेलमेट डाल दो टॉप बॉक्स के अंदर, बाकी सामान पैनियर्स में और आपका काम डन। बेहतरीन, तो सब कुछ बता दिया। एंड मेरा यार ये ड्रीम था ना कि मैं इस तरह की बाइक के साथ टूर करूँ जिसमें पूरा प्रॉपर पैनियर वैनियर लगे, मतलब मैं देखता रहा ना, अब सबको हर कोई किसी ना किसी से इंस्पायर होता है। मैं भी बहुत लोगों को देखता था कि वो लोग बड़े अच्छे से टूरिंग कर रहे हैं यार, बड़ा बेहतरीन सा सेटअप लेके, तो मेरा भी सपना था जो कि आज पूरा हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, नेक्स्ट ट्रिप जो इससे मैं लगाने वाला हूँ वो कल ही लगाने वाला हूँ, इस वीडियो के बाद सीधा नेक्स्ट ट्रिप का वीडियो आएगा, और 1 साल बाद मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ कानपुर। जी हाँ, खुशी बहुत ज़्यादा है कि अपने घर जा रहे हैं और मैं पैनियर्स लगा के जाऊँगा। हालांकि मेरे पास सामान इतना नहीं है कानपुर ले जाने के लिए, लेकिन पैनियर्स में इसलिए लगा के जाऊँगा क्योंकि कानपुर के बाद जो राइड लगेगी वो होगी अराउंड 2 हफ्ते की, वो लंबी राइड है। तो वहाँ जाने से पहले ना मैं पैनियर से अपना मतलब कंपैटिबिलिटी बढ़ाना चाह रहा हूँ, दूसरा मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कोई प्रॉब्लम होती हो जो पता लगा लंबी राइड पे गए और वहाँ जाके कट गया। तो इसलिए जो है पैनियर्स लेके जाऊँगा, देखेंगे भाई कानपुर में पूरा भोकाला हो जाएगा अपना। क्या लग रहे हैं यार, क्या लग रहे हैं। तो राइड का मैंने बताया, मैं अभी घर से चला के लाया था तो अभी तो भारी भारी सा लग रहा था पीछे, और एक्चुअल में अराउंड सारी एक्सेसरी लगाने के बाद ना पैनियर्स भी खाली है, इनमें कोई लोड नहीं, 40 किलो जो है वजन बढ़ गया है बाइक का, अराउंड 36-37 किलो, क्योंकि जो क्रैश गार्ड लगाया यार उसका भी बहुत वेट है, उसके बाद पैनियर्स के जो रैक लगाए हैं उनका वेट है, और लगभग 17 किलो के तो 17 किलो के तो लगभग पैनियर्स ही है, तीन पैनियर्स खाली पैनियर्स 17 किलो के, तो अराउंड 35-36-37 kg से बाइक का वेट बढ़ गया, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आता है। अब नेगेटिव्स की भी बात कर लेते हैं यार, पैनियर्स में एक नेगेटिव ये होता है कि अगर आपकी बाइक गिरी तो भाई साहब पैनियर्स में आते हैं स्क्रैच, और पैनियर्स में डेंट भी आ जाता है, तो उस केस में फिर यार थोड़ा नुकसान हो जाता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि आपकी बाइक गिरे ना, अगर मिट्टी विट्टी में गिरती, जैसे लद्दाख वदाख में चल रही है, मिट्टी विट्टी में गिर गई बर्फ वर्फ में तो उतना इंपैक्ट नहीं होता, बट अगर ऐसी हार्ड सर्फेस में गिर गई तो भैया 1,60,000 का गेम ओवर। तो यार अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक भी करो, शेयर भी करो, और कमेंट तो करो ही करो यार, मैं रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और बहुत सारे लोग अभी भी, आप देखो 70% लोगों ने जो है ना चैनल को देखते तो है, व्यूअरशिप तो बहुत अच्छी है, बट 70% लोग अराउंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कर लो यार, अपने को भी मोटिवेशन मिलता है। इतना खर्चा कर रहे हैं भाई, कभी तो निकलवा दो यूट्यूब से पैसा मेरा। यार आई होप आपको पैनियर्स भी पसंद आए होंगे और व्लॉग भी पसंद आया होगा। अब अपनी बाइक जो है प्रॉपर रेडी हो गई है राइडिंग के लिए, मतलब गजा। तो अगर यार वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, एंजॉय।